नमस्ते, हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंगफली और तिल के लड्डू। आइए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने ये आधी कटोरी तिल ली है सफेद वाली, इसको पहले हम भून लेंगे। कढ़ाई हमने पहले से रख दी थी, गर्म हो गई है। अब इसको हम हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। हमारे भून गए हैं, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। ये हमने आधी कटोरी मूंगफली के दाना लिए हैं, इसको हमने भून के इसका छिलका निकाल दिया है। अब इसको हम पीस लेंगे। इसको मोटा मोटा पीसना है। मूंगफली हमारी पीस गई है, इसको हमने थोड़ा मोटा मोटा पीसा है। अब इसको हम निकाल लेंगे बाउल में। ये तिल हमारे ठंडे हो गए हैं, इसको भी हम पीस लेंगे। ये तिल भी हमारे पीस गए हैं, इसको भी हमने मोटा मोटा पीस लिया है। इसको भी हम निकाल लेंगे। हमने आधी कटोरी चीनी ली है, इसको भी हम पीस लेंगे। ये कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, हमने रख दी थी। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून डालेंगे घी। ये देसी घी है, ये घी हमारा मेल्ट हो जाए। अब घी ये गर्म हो गया, इसमें हम जो तिल हमने पीस के रखा था उसको डाल, और ये मूंगफली के दाने हम इसमें डाल देंगे जो पीस के रखा था हमने। अब इसको हम हल्का सा भून लेंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे। ये तिल और जो है मूंगफली के दाने हमारे भुन गए हैं, इसमें घी अच्छे से मिल गया है, इसको हम निकाल लेंगे। यह आधी कटोरी हमने चीनी ली थी, इसको पीस लिया था, इसको अब इसमें हम गरम गरम में डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके हम लड्डू बना लेंगे। लड्डू बड़ी आसानी से बन जाते हैं। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनके हमारे रेडी हैं।
आप लोगों को हमारे मूंगफली और तिल के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।